हाय आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे हम बात करें फिल्म भोजपुरी प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपको बता दें कि फिल्म 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने फिल्म के निर्देशक अभिषेक दुधिया को सुझाव दिया था कि वह उनकी भूमिका निभाने के लिए अजय देवगन को ले। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेह, शरद केलकर और प्रणीता सुभाष की अहम भूमिका है। इस फिल्म को लेकर निर्देशक अभिषेक दुधिया ने जागरण.com से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म बनाने का आइडिया उन्हें उनकी दादी की कहानियों से आया है। दरअसल उनकी दादी ने इस वाक्य में भाग लिया था, इसके चलते वह बचपन में यही कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं और उन्होंने छोटों को यही कहानी सुनाई है। जब अभिषेक को फिल्म बनाने का अवसर मिला तब उन्होंने इस फिल्म का चुनाव किया और इस फिल्म में अजय देवगन ने हिस्सा ले लिया। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।